का बहुत शुक्रिया कि ऐसे जो इवेंट्स और ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम देखते हैं पिंडी में हो रहे होते हैं या कैंट साइड पर हो रहे होते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ये पीआर का शुक्रिया अदा कीजिए। एग्जैक्टली, जितने भी लोगों ने इसे गवर्नमेंट ने हमें आई है हमारे मेहमान उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कोशिश करूँगी कि छोटी सी बात करूँ। बेसिकली मैं पिछले एक साल से इस्लामाबाद चली गई हूँ, कराची की रहने वाली हूँ। ईद आई तो ईद पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हस्बैंड ने मना कर दिया कि कराची जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने शोर मचाया कि नहीं, मेरे अम्मा अब्बा वहाँ हैं, मैंने तो जाना है। मुझे पिछले साल की ईद याद आ गई। पिछले साल की ईद मैंने थरपारकर में बॉर्डर पर मनाई थी, उन जवानों के साथ मनाई थी कि जिनके बच्चे भी हैं, जिनकी माएँ भी हैं, जिनके बहनें भी हैं, जो चाहते होंगे कि घर पर ईद मनाएं लेकिन नहीं मनाते। क्यों? ताकि मैं और आप अपने घर में सुकून से ईद मना सकें। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद ज़मीन में, आसमान में और समंदर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिस किरण नाज। और मैं आपका बहुत शुक्रिया कि ऐसे जो इवेंट्स और ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम देखते हैं पिंडी में हो रहे होते हैं या कैंट साइड पर हो रहे होते हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और ये पीआर का शुक्रिया अदा कीजिए। एग्जैक्टली, जितने भी लोगों ने इसे गवर्नमेंट ने हमें आई है हमारे मेहमान उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कोशिश करूँगी कि छोटी सी बात करूँ। बेसिकली मैं पिछले एक साल से इस्लामाबाद चली गई हूँ, कराची की रहने वाली हूँ। ईद आई तो ईद पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हस्बैंड ने मना कर दिया कि कराची जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने शोर मचाया कि नहीं, मेरे अम्मा अब्बा वहाँ हैं, मैंने तो जाना है। मुझे पिछले साल की ईद याद आ गई। पिछले साल की ईद मैंने थरपारकर में बॉर्डर पर मनाई थी, उन जवानों के साथ मनाई थी कि जिनके बच्चे भी हैं, जिनकी माएँ भी हैं, जिनके बहनें भी हैं, जो चाहते होंगे कि घर पर ईद मनाएं लेकिन नहीं मनाते। क्यों? ताकि मैं और आप अपने घर में सुकून से ईद मना सकें। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद ज़मीन में, आसमान में और समंदर में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिस किरण नाज। और मैं आप अस्सलामु अलैकुम शुहदा के लवाहिकीन, जो हमारे मोहसिन हैं। एक बहुत कॉमन शेर है जो हम सब सुनते आए हैं और उसका एक बहुत बड़ा मकसद है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद तो अपने दर्जे पर अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए एक खुशी से अपने सीने पर ये तमगा सजा लेते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि शहीद होने वाला एक शख्स अकेला शहीद नहीं होता, उसकी फैमिली, उसके बच्चे पूरी उम्र ये कर्ज़ उतारते हैं और हम उनका एहसान कभी नहीं उतार पाते। पाक फ़ौज का जो किरदार रहा है, पुलिस का, रेंजर्स का हमारी ज़िंदगियों में, वो कहाँ से शुरू करें आप। मैंने 65 की जंग भी देखी अपने बचपन में, 71 की भी देखी, उसके बाद भी देखा बहुत कुछ, लेकिन जब मैंने ये देखा कि अपने मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी में, सैलाब में, तूफ़ानों में, मसाइल में, किसी तरह की भी मुश्किल जो हम लोगों से हैंडल नहीं हुई, वो पाक फ़ौज ने ही उसको हैंडल किया हमेशा और अपनी जानों के नजराने दिए। मैं तो उन नौजवान, उन फ़ौजियों को जो हर वक्त सरहद पे खड़े हमारे लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं और वो एक फ़ख्र से शहादत का जज्बा सीने में लिए हुए चले जाते हैं, छोटे छोटे कैप्टन्स होते हैं, जवान जवान मेजर, उनकी बेवाएँ, जिनकी गोद में बच्चे होते हैं, दो दो साल के बच्चे भी छोड़ के चले जाते हैं। सो ये एक मामूली बात नहीं है, ये जज्बा कुछ ऐसा ख़ास है कि जिसको हम जैसे लोग समझ नहीं सकते। हम अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन हम उस तरह से उसको नहीं समझ पाते जो इसका असली हक है। जिस तरह से लोग अपने घर वालों से कहते हैं कि हम जामे शहादत पीना चाहते हैं और उनकी माएँ कहती हैं कि हाँ जाओ और उनके वालदैन वालिद कहते हैं कि हाँ जाओ, एक की जगह हम तीन को कुर्बान करेंगे, तो ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये स्पेशल लोग हैं, अल्लाह के चुने हुए भी हैं और अल्लाह के ख़ास तौर पर बनाए गए लोग हैं। सो इनको हम बस कितना खराज तहसीन पेश करें, हमारे पास वो पैमाना नहीं है, हम इनका कर्ज कभी नहीं उतार सकेंगे और कभी नहीं उतार सके आज तक। सो इनकी इज़्ज़त और तकरीम हम कौन होते हैं करने वाले, इनकी इज़्ज़त और तकरीम तो उस जहां में जितनी ज़्यादा है उसके नस्बत तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। मगर फिर भी एक बात हम सब पाकिस्तानी हमेशा कहते आए हैं और हमेशा कहते रहेंगे
और ये सच है कि पाक फौज को सलाम। साथ ही मैं ये कहूँगी कि मैं हमेशा, मैं क्या, जितने भी हम आर्टिस्ट हैं हमेशा आर्म फोर्सेस के प्रोग्राम्स में जाते रहे, उनको खराज तहसीन पेश करते रहे, ऐसे सैकड़ों प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, और जब भी लिया तो उनके लिए गाए हुए बहुत प्यारे ऐसे मिल्ली नगमे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए, जो कभी भूल नहीं सकते, और वो एक जज्बा जगाने वाले मिल्ली नगमे, जिसमें से एक मैं बहुत गाती हूँ और मैं थोड़ा सा आपके सामने पेश करती हूँ। माइक है गाने वाला, बहुत शुक्रिया। ये तो तकरीर वाला माइक है, माइक गाने वाला है। क्या बात है उषा जी, बिस्मिल्लाह, यहाँ आ जाए, बीच में आ जाए। हेलो हेलो हेलो, ऑन है, ऑन है, ऑन है। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे